सब्सक्राइब कीजिए लॉ अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें न्यू लॉ रिलेटेड जानकारी के लिए। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, फ्री होल्ड और लीज पर दी गई। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज पर मालिक के अलावा किसी का हक नहीं होता, जबकि लीज प्रॉपर्टीज निर्माण के समय से लेकर 99 साल के लिए लीज पर दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 99 साल के लिए क्यों किसी संपत्ति को लीज पर दिया जाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निश्चित रकम के बदले मालिक और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इसमें संपत्ति पर कब्जे के लिए दोनों के अधिकार और दायित्वों को जिक्र किया जाता है। एग्रीमेंट में नियम व शर्तें लिखी होती है, जिसमें अधिकारों की प्रकृति, लीज की अवधि, मालिक और ग्राहक के कर्तव्यों, शर्तें, टर्मिनेशन क्लॉज और विवाद निपटारा शामिल होता है। समय अवधि का मकसद जमीन के बार बार यूज और उसके ट्रांसफर पर लगाम लगाना है। शुरुआती दिनों में इसे एक सुरक्षित समय अवधि के विकल्प के तौर पर देखा गया था, जो लीज लाइफ को कवर करता है। साथ ही यह संपत्ति के मालिकाना हक को सुरक्षित रखने के लिए सही अवधि मानी गई है। लीज प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ अहम बातें। कीमत चुकाने के बाद लीज की अवधि 999 साल तक बढ़वाई जा सकती है। लीज पर दी गई प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार को यह कंफर्म करना होगा कि विक्रेता को स्थानीय विकास प्राधिकरण से ट्रांसफर मेमोरेंडम मिला है। बिल्डर्स भी लीज वाली जमीन पर फ्लैट बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी कीमत फ्रीहोल्ड वाली जमीनों की तुलना में कम होती है। बैंक लीज प्रॉपर्टी की खरीद को फाइनेंस करना पसंद नहीं करते, खासकर उस वक्त जब बची हुई लीज की अवधि 30 साल से कम हो। लीज प्रॉपर्टी में निवेश करने का सबसे अहम फायदा उसकी कीमत है, जो अक्सर फ्रीहोल्ड जमीन पर बनी प्रॉपर्टी से कम होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।